मगध यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर। यूनिवर्सिटी द्वारा अभी-अभी एक नया सूचना जारी हुआ है सभी छात्रों के लिए। जी हाँ दोस्तों, 5th मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, कितने तारीख को जारी होगा और स्पॉट एडमिशन कितने तारीख से शुरू होगा। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं सभी स्टूडेंट्स को कि जितने भी जो 2021-24 BA BSc BCom पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आप लोग जिन छात्रों का 4th मेरिट लिस्ट में नाम आया था, आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों का 4th मेरिट लिस्ट जारी था जब, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एडमिशन से वंचित हो गए थे। ठीक है, एडमिशन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स का 4th मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी एडमिशन नहीं लिए थे, उन छात्रों को मौका दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर मैं पूरी जानकारी आपको वेबसाइट पर चलकर बताऊंगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लें और यहां पर सर्च बॉक्स में टाइप कर दें। ठीक है, सर्च बॉक्स में आपको टाइप कर देना है magadhuniversity.ac.in, लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप लिखकर सर्च करोगे, आपके सामने एक नया विंडो यानी नया वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर नया वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने आ गए हैं हम नए अपने वेबसाइट पर, मगध यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर। यहीं पर सभी जानकारी ऑफिशियल अपडेट जारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का सवाल है सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगा। चैनल पर न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो, आने वाली सभी जुड़ी जानकारी इसी तरह आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको यह बता दूँ कि देखिए, जो स्टूडेंट्स का 4th मेरिट लिस्ट में नाम आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 4th मेरिट लिस्ट में नाम आया था और आने के बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन से वंचित हो गए थे, उनको एडमिशन का मौका दिया गया है और 27 तारीख तक आप लोगों का एडमिशन चलेगा। ठीक है, 4th मेरिट लिस्ट वालों के छात्रों का एडमिशन जो है 27 तारीख तक चलेगा, ओनली 127 डे। ठीक है, अब आज आप लोगों का 27 तारीख है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि 27 तारीख आज है, आज एडमिशन का लास्ट डेट है, एडमिशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद छात्रों को कोई मौका नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं दोस्तों, क्योंकि आप लोग विश्वास करोगे नोटिस के ऊपर और मैं आपको नोटिस दिखाकर पूरा लाइव प्रूफ बताता हूं। ठीक है, आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने नोटिस जारी हो गया और यहाँ पर आप लोग देखिए, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बता रहा है कि 17, 2021-24 और 2020-22 के स्टूडेंट्स को भी मौका दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 17, 21, 24 BA BSc BCom पार्ट 1 UG के स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएशन वाले, और 2020-22 यानी मेधा सूची जो MMSc MCom के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सूची में चयनित छात्र छात्राओं के लिए जो 24/11/2021 तक समय दिया गया था, वह समय यहां पर देखिए 27/11/2021 तक नामांकन हेतु निर्देश दिया जाता है कि अंतिम अवसर इसके बाद इस मेरिट लिस्ट के जितने भी स्टूडेंट्स जो 4th मेरिट लिस्ट जिनका छात्रों का नाम आया था, उसके बाद आप लोगों को 27 तारीख के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, 27 तारीख तक आप लोगों को 4th मेरिट लिस्ट के अनुसार एडमिशन ले लेना है। अब यहां पर बात कर लेते हैं 5th मेरिट लिस्ट की। दोस्तों यहां पर 5th मेरिट लिस्ट के लिए आप लोगों को चलना है ऑफिशियल साइट पर, और यहां पर हम ऑफिशियल साइट पर आ जाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। ठीक है, यहां पर आ गए हैं हम अपने ऑफिशियल साइट पर, magadhuniversity.in लिखकर आपको सर्च कर देना है। ठीक है, यहां पर हम आ गए हैं। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि 5th मेरिट लिस्ट कब और कितने तारीख को जारी होगा। 5th मेरिट लिस्ट दोस्तों अब 1 तारीख को होगा जारी। जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5th मेरिट लिस्ट अब आप लोगों का 1 तारीख को जारी होगा। कितने तारीख को? 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को आप लोगों का 5th मेरिट लिस्ट जारी होगा, ओनली 1, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, अब जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो ना, 1 दिसंबर को आप लोगों का 5th मेरिट लिस्ट जारी होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यह शंकाएं बनी हुई है कि सर 5th मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद स्पॉट एडमिशन होगा क्या? जी हाँ दोस्तों, स्पॉट एडमिशन भी होगा और 5th मेरिट लिस्ट भी जारी होगा। क्योंकि देखिए, आप लोग ध्यान से सुने, इस मगध यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सीटें बची हुए हैं अभी भी, और देखिए जिनका 4th मेरिट लिस्ट में नाम आया था उनका एडमिशन का डेट सिर्फ आज तक है। आज जो है एडमिशन का डेट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का 1 तारीख को यानी 3 से 4 दिन के अंदर अंदर में जो है आप लोगों का 5th मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, 5th मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आप लोगों का जो है स्पॉट एडमिशन शुरू हो जाएगा। स्पॉट एडमिशन शुरू होने के बाद फिर कोई मौका नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स को, चाहे वो एडमिशन से वंचित हो जाए। ठीक है, कोई मौका नहीं मिलेगा, फिर सिर्फ 5th मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद स्पॉट एडमिशन होगा, स्पॉट एडमिशन के बाद फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों आप लोग चिंता ना करें, सभी स्टूडेंट्स का लगभग एडमिशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पल पल के अपडेट मगध यूनिवर्सिटी द्वारा हमारे चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर पाने के लिए चैनल को ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दो। आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी आप चलाते हो सभी एप्लीकेशन में शेयर कर दो। और हाँ,
टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, कि आने वाली सभी जुड़ी जानकारी अपडेट भी अपडेट आपको मिलता रहे, पल पल के अपडेट मगध यूनिवर्सिटी द्वारा आपको इसी तरह मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।